भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा चेन्नई टेस्ट मैच का चौथा दिन भी ऐसा लग रहा है कि अंग्रेजों के नाम नजर आएगा। जी हां, पहले सत्र में ही इंग्लिश टीम ने पूरे तरीके से टीम इंडिया को समेट दिया है। भारतीय टीम की तरफ से यहां पर कोई भी बल्लेबाज शतक नहीं जड़ पाया। इंग्लैंड ने पहली पारी में 578 रन बनाए थे। जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया को पहला झटका रोहित शर्मा के रूप में लगा। इसके बाद शुभमन गिल, जो कि कंफर्टेबल लग रहे थे, वो 28 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद विराट कोहली 48 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हुए। डॉम बेस्ट ने उनका शिकार किया। ओली पोप ने अच्छा कैच पकड़ा शॉर्ट लेग पर। इसके बाद कप्तान के बाद उपकप्तान भी चलते बने। अजिंक्य रहाणे ने 1 रन बनाए। डॉम बेस्ट का वो शिकार बने कवर्स पर। रूट ने उनका अच्छा कैच लपका, लेकिन फिर आया तीसरे दिन महातूफान। चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के बीच हुई शतकीय साझेदारी। पंत ने टेस्ट मैच को T20 बनाते हुए ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। महज 88 गेंदों में 91 शानदार रन बनाए, लेकिन वो भी यहां पर डॉम बेस्ट का शिकार हुए। पुजारा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे, 143 गेंदों में 73 रन उन्होंने बनाए। वॉशिंगटन सुंदर नाबाद रहे, 85 रन उन्होंने बनाए 138 गेंदों में। वहीं रविचंद्रन अश्विन 91 रन बनाकर आउट हुए 31 गेंदों में। यहां पर 80 रनों की साझेदारी की उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के साथ। रविचंद्रन अश्विन के आउट होने के बाद भारत की टेल भी पूरे तरीके से टूट गई। नदीम शून्य पर आउट हुए, 12 गेंदों का सामना किया, 11 गेंदों में 4 रन यहां पर ईशांत शर्मा ने बनाए। जसप्रीत बुमराह शून्य पर अंतिम विकेट के रूप में ऑल आउट हुए। 337 पर सिमटी टीम इंडिया की पारी, और अब इंग्लिश टीम क्या इन्हें फॉलो ऑन देगी? वैसे लग नहीं रहा है कि इंग्लिश टीम फॉलो ऑन देगी। 95 ओवर की पिताई इनकी भी हुई है, तो उस लिहाज से अब देखना होगा कि यहां से इंग्लैंड और कितने रन बनाता है। भारत अभी भी 241 रन पीछे इस टेस्ट मैच में। अब 5 सेशन का खेल लगभग और बचा है। शायद यहाँ पर पहले सेशन का पूरे तरीके से ब्रेक हो गया है। फर्स्ट इनिंग्स के लिहाज से देखा जाए तो अब टीम इंडिया यहाँ पर बैकफुट पर है। अब देखना होगा कि किस तरीके से भारतीय टीम यहाँ पर वापसी करती है, लेकिन एक बात तो तय है कि इंग्लिश टीम ने पूरे तरीके से भारत को दबा दिया है, भारत में ही आकर भारत की सरजमीं पर। सीरीज से पहले बात हो रही थी कि शायद भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड टीम टिक ना पाए, लेकिन अब तो इंग्लैंड टीम चढ़कर खेल रही है। जिमी एंडरसन ने 17 ओवर गेंदबाजी की, 46 रन देकर 2 विकेट झटके। जोफ्रा आर्चर 21 ओवर 3 मैडन 75 रन देकर 2 विकेट। बेन स्टोक्स 6 ओवर 1 मैडन 16 रन। जैक लीच 24 ओवर 5 मैडन 105 रन देकर 2 विकेट। ऋषभ पंत ने इनका भूत बनाया था कल। डॉम बेस्ट 26 ओवर 5 मैडन 76 रन देकर 4 विकेट। जो रूट 2 ओवर 14 रन, कोई सफलता नहीं। अब देखना होगा कि किस तरीके से इंग्लिश टीम आज के दिन अप्रोच करती है। ANP न्यूज रूम से विजेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट।